थोड़ी बहुत ही बेंडिंग करेंगे। किस तरह से बेंडिंग करेंगे पूरा आपको मैं बताऊंगा। पहले आपको इसको थोड़ा बेंड करके दिखा देते हैं आपने क्या करना है। नीचे जैसे ये बड़ा पेड़ है, इसमें जो टहने हैं इनमें ताकत थोड़ी ज़्यादा है, बड़ा हो चुका है ये, तो इसको बेंड करने के लिए जो नीचे वाले आपके डंडे होंगे वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ किस में मैंने बांधे हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेंडिंग करके दिखा देता हूँ। बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि इसको बेंडिंग के बारे में वीडियो बताए, तो आज बेंडिंग की आपको वीडियो बताते हैं। मैंने ये नॉर्मल था धागा जो होता है, जिसको जो बोरी वगैरह बांधने के लिए होता है, ये आप देख सकते हैं ये वाला धागा है, नॉर्मल धागा ही है ये। तो किस तरह से इसको करेंगे बेंडिंग मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं ये वाला प्लांट है, तो पूरा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो बेंडिंग है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी सी जो है इसकी बेंडिंग आपने करनी है। और जब भी आप बांधेंगे तो इसको थोड़ा पीछे से बांधें, यहाँ से हम इसे बांधेंगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से कहीं से इसको बांध लेंगे, ताकि आगे से बांधेंगे तो ठीक नहीं रहता। पीछे से आप बांधेंगे इस तरह से, इतना सा बस हमें इसे जो है बेंड करना है। तो इसको पहले मैं बांध लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप इस तरह से बांधें कि इसमें जो है गांठ आपके ना लगे। वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जितना धागा लगेगा उतना मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। और फिर पहले इसको थोड़ा बेंड जब भी करे तो आगे से इसको आपने पकड़ना है इस तरह से, क्योंकि आगे से ही ये जो है ठीक बेंड होते हैं। ये आप देख सकते हैं एक टहना यहाँ पर बेंड हो गया है, एक और है इसे भी मैं मुझे बेंड करना है, तो इसको भी मैं यहाँ से बेंड करूँगा पीछे से, बैक साइड से थोड़ा दूर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसे जो मैं इस तरह से बेंड करूँगा। धागा आप वहाँ पर बांधे जहाँ पर इसमें पिछली साइड बीमा हो, बैक साइड में। मैं बाद में आपको इसको दिखाऊंगा, शायद दूर से इतना ना दिख रहा हो। और जो टहने हैं इसमें गांठ जो है बिल्कुल भी आपकी नहीं पड़नी चाहिए। जितना धागा लगना है उतना मैं इसको कट कर दूंगा यहाँ से। वैसे तो आप सेब वाले जो भी प्लांट है उनको अभी बेंड ना करें, उनकी बेंडिंग आप सेब तोड़ने के बाद करें। तो इसमें दो दो ही सेब है, इसलिए मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ। अगर गिर भी जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं।
तो इस साइड से तो ये हो चुका है, अब करेंगे हम इसको इस साइड से बेंड यहाँ से। बेंडिंग जब भी करें आप तो नीचे से इसकी स्टार्ट करें। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला प्लांट है, इसको ये वाला टहना है, इसको जो है मैंने बेंड करना है, तो इसको यहाँ से मैं पकड़ लूँगा इस तरह से, और यहाँ जहाँ भी इसमें कहीं टिक सके ये, वहाँ से इसको हम बांधेंगे थोड़ा पीछे से। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो यहाँ पर जो आपके है, बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे में वहाँ से टूट भी सकता है। तो जितना ये लगेगा उतना मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। तो इतना सा ही मैंने इसको बेंड करना है, इससे ज़्यादा बेंड आप ना करें। और बेंडिंग से एक और फ़ायदा ये होता है कि आपका जो बड है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। एक आधा पौधे मैंने टहने इसमें पहले बेंड किया है ऊपर, इसी प्लांट में आपको दिखाएंगे उसमें, और जो बेंड नहीं किए उनमें कितना डिफरेंस है वो आपको मैं दिखाऊँगा। तो एक टहना ये हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट टहना ये है। बेंड में सिर्फ वो ही टहने अभी करूँगा जिनकी लंबाई पूरी हो चुकी है, पूरा जो एरिया है उसका स्पेस पूरा हो चुका है, तो ये भी ऑलमोस्ट पूरा ही है, तो इसको भी मैं यहाँ से बेंड करूँगा। तो इसको बांध लेंगे हम यहाँ से बीमे की अगली साइड से, ताकि ये बीमे में फंसा रहे, फिसले ना, नहीं तो फिसल जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसको आप आगे से खींचे इस तरह से, और बांधना आपको पीछे से है, जहाँ पर ये आपको लगेगा कि यहाँ से अब ये इससे ज़्यादा बेंड नहीं होगा, वहाँ से आगे ज़्यादा आपने इसको बेंड नहीं करना है। तो ये टहना भी हो चुका है, अब रहा है एक और टहना। इसका भी स्पेस पूरा नहीं हुआ है, इसमें जगह है तो अभी मैं, छोटा है ये टहना, अभी इसे बेंड नहीं करूँगा, इस वाले को मैंने जो है बेंड कर देना है। तो इसको भी पहले आपने आगे से खींचना है, और जितना ये जहाँ तक बेंड होता है वहाँ तक आपने करना है इसको।
तो ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला टहना भी हो चुका है। बाकी अभी ये जितने भी टहने ये भी, इसका भी स्पेस पूरा नहीं हुआ है, जगह है वहाँ तक, यहाँ तक ये जाएगा। तो इसको मैं अभी बेंड नहीं करूँगा, इसको नेक्स्ट ईयर हम बेंड करेंगे, क्योंकि सीडलिंग पे जो है पौधे है ये जल्दी बेंडिंग करके कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। एक टहना ये है जो बड़ा है अभी, जिसे बेंड कर सकते हैं, ये ठीक मुड़ा हुआ है, पहले इसको बेंड किया हुआ है। एक ये है, इन दोनों को जो है अभी हमने बेंड करना है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सख्त जो मोटा हो चुका है, बेंडिंग भी इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें जो है ग्राफ्टिंग आगे हुई हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है ताकत खा रहा है। तो इसको यहाँ से मैं बेंड करूँगा इस तरह से, इससे ज़्यादा ये नहीं मुड़ेगा, ज़्यादा मोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं ये टूट भी सकता है। इसको मैं यहाँ से इस तरह से बेंड करूँगा, थोड़ा आगे इसमें जाना पड़ेगा, पीछे से ये टूट भी सकता है। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से बेंड करूँगा, धागा इसमें लगा देता हूँ। तो इसको बांधना पड़ेगा थोड़ा आगे से, क्योंकि ये पीछे से बेंड नहीं होगा इतना, यहाँ से अगर मैं करूँगा इसको तो टूटने का इसका ख़तरा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे से यहाँ से बेंड कर दूँगा। बीमे के अगली साइड से, ताकि ये खिसक कर आगे ना जाए। यहाँ से जैसा इसको मैं बांधूँगा, बांधना इस तरह से आपने कि इसमें गांठ ना पड़ जाए, नहीं तो नाली बन जाएगी वहाँ पर गड्ढा सा, और जो पौधा है आपका वो ख़राब हो सकता है, उसमें कट लग जाएगा। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा लास्ट में किस तरह से, कितनी दूरी पे आप रखें इसको। तो जितना धागा लगना है उतना पहले मैं काट लूँगा, और आप देख सकते हैं नॉर्मल धागे, ये कोई बड़े वो वाले धागे नहीं है, इन्हीं से ही जो है मैं बेंडिंग करता हूँ। आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा बैंड ये नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से इसको इस तरह से कर दिया है। ये यहाँ हो गई बैंडिंग इसकी, अब रहा है मेरी, मुझे ये वाला टहना, वो वाला टहना जो है वो मुझे बैंड नहीं करना है अभी, बाद में उसको मैं देखूँगा या उसको बीमे के पास से कट कर दूँगा, क्योंकि वी शेप वाला टहना है वो अच्छे से नहीं मुड़ पाएगा, या कोशिश करेंगे कि उसको कर ही देंगे बैंड। अब जो है अब करना है मुझे ये वाला टहना बेंड, इसको करूँगा मैं पीछे से, ये भी काफ़ी मोटा हो गया है, तो यहाँ से इसको करेंगे बांधना, ये यहीं पड़ेगा मुझे। और इसके जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बरसात के बाद। ये आप देख सकते हैं ये बेंड हो चुका है, बाकी जो प्लांट है उसमें भी बेंड टहने हैं, उसमें बेंडिंग करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल है नहीं, तो मैं आपको नज़दीक से इसको दिखा देता हूँ अब।
देख सकते हैं ये इस तरह से जो है मैंने बेंड कर दिया है। मैं थोड़ा दूर से भी आपको दिखाऊं, ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको बांध के वहाँ नीचे इस तरह से जो डंडे हैं वो गाड़ के लगाए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी इस तरह से बेंडिंग हो गई है। ये तीन टहने यहाँ पर इस तरह से एक ही डंडे में जो है ये लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से ये तीसरा टहना है, वहाँ किनारे पे दो टहने यहाँ पर बेंड किए, ये आप देख सकते हैं। पहले ये किस तरह से था प्लांट और अब किस तरह से हो गया है, अगर आप देख सकते हैं। बाकी जो टहने हैं वो अभी मेरे को बेंड नहीं करने हैं, क्योंकि अभी उनके पास है स्पेस है, यहाँ पर स्पेस इनके पास है अभी, तो इनको मुझे बेंड नहीं करना है। नीचे के टहने जो है मैंने वो बेंड कर दिए, ऊपर के मैं बाद में बेंड करूँगा। आपको लग रहा होगा अभी कि ये ऊपर वाले भी कर लेनी चाहिए, पर अभी मुझे बेंड नहीं करनी है, क्योंकि ये इसी शेप में है कि ये इजीली मुड़ जाएंगे। वी शेप वाले टहने नहीं हैं कि ये टूट जाए। और बाकी अगर आपने करना ही है तो एक आधा आप ऊपर से कर सकते हैं जो लीडर के साथ होता है, पर वो मैंने निकाल दिया है पहले ही जो इसको कंपटीशन देता था। तो ये नीचे वाले टहने हैं तो इसलिए जो इसमें ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आप बेंडिंग कर सकते हैं। ये नीचे मैंने तीन लकड़ियाँ लगाई है, उनमें इसको जो है धागे की सहायता से बांध दिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी बेंडिंग जो हो गई है वो आप देख सकते हैं इस तरह से। बाकी ऊपर का बेंड इसको धीरे हम करेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी बेंडिंग हो चुकी थी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो धीरे नीचे से मैं धीरे धीरे बेंड करता हूँ, एक साथ मैं सबको बेंड नहीं करता। ये आप आगे वाला पौधा इसे भी देख सकते हैं, ये भी जो है मैंने आगे से बेंड नहीं किया हुआ है, नीचे नीचे से सिर्फ बेंड किया है। ऊपर से इसको धीरे धीरे बेंड करेंगे या सर्दी में बेंड करेंगे, क्योंकि उनमें जो है सेब है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाई थी कि बेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे खूंटी लगी है, ऊपर से इसमें जो है तीन टहने मैंने बेंड कर दी है, और जो धागा है वो नॉर्मल धागा है, कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड वाला धागा नहीं है। और इसका जो मेन है आपने यहाँ पर जो है गैप इसमें रखना है, ये आप देख सकते हैं इसमें गैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गैप है, और यहाँ भी देख सकते हैं आप इसमें जो गैप है। अगर ये गैप आप नहीं रखेंगे तो ये जो धागा है ये हिल नहीं पाएगा और आपके जो है यहाँ पर गांठ पड़ जाएगी, जिससे जो है आपको नुकसान हो सकता है, हो सकता है टहना भी आपका टूट जाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें गैप मैंने रखा हुआ है, तो इस तरह से आप बांधे इसको, ये देख सकते हैं आप यहाँ से इसको जो है गैप इसमें रखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।